वेलकम टू माई चैनल ग्यासो ब्यूटी कॉर्नर एंड ब्लॉग्स। आज की मेरी ये रेमेडी उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, जिनके फेस पे ग्लो नहीं है। और सबसे पहले ये बता दूँ कि ये रेमेडी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, दोनों इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। आज की रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और डेफिनेटली इसको शेयर करें। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनका डेली का आना जाना आउटसाइड पे है, यानी जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है या कोई ऑफिस वर्कर्स हैं, उनकी स्किन पे जो है वो डेली आ जाके ग्लो ख़त्म हो जाता है। उनके फेस पे जो है डस्ट की एक लेयर सी जम जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए आज की ये रेमेडी मैंने क्रिएट की है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी के इन्ग्रीडियंट्स की तरफ। बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है इसके। ये है मेरी वीडियो के इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही सिंपल हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए होगी मुल्तानी मिट्टी। इसकी अफादियत से तो हर कोई वाकिफ ही होगा। ये हमारी जो स्किन है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ हमें चाहिए होगी ग्रीन टी। ग्रीन टी तो आप लोगों को मालूम ही है, इसको अगर हम पिए तो इससे वेट लॉस होता है। पता नहीं इस पर कितनी सच्चाई है। और इसका ये फायदा, अगर हम इसको फेस पे लगाएं तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे जो आई सर्कल्स हैं जिनको हम स्याह हल्के भी कहते हैं, उसको ख़त्म करने में मदद देती है। और इन दो चीज़ों के साथ हमें जो चाहिए वो है अनार का जूस। आजकल तो बहुत ही सीजनल फ्रूट है अनार। अनार में क्या कुछ पाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जी, अनार में पाया जाता है फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, पोटाशियम। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। आप अनार को खाएं या इसका जूस पिए, इसका फ़ायदा सेम ही है। अब आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने 2 टेबल स्पून लेनी है मुल्तानी मिट्टी। क्या आप उतनी क्वांटिटी ले लें जितनी कि आपकी फेस और आपकी नेक पे पूरी हो जाए? वैसे तो 2 टेबलस्पून ही पूरी हो जाएगी। और उसके साथ आपने लेना है 1 टेबलस्पून ग्रीन टी। और अनार का जूस इतना लेना है कि जिसमें इसका जो फेस पैक है वो थोड़ा थिक सा बन जाए। तो अभी हम इनको करते हैं मिक्स। ये मैंने पहले से ही 2 टेबलस्पून ली हुई थी। अब हम करते हैं इसको अनार के जूस में मिक्स। ग्रेजुअली इसको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे। आपने थिक सा पेस्ट बनाना है। इसमें जो हमने अनार का जूस डाला है वो ओपन पोर्स को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा मदद देता है। अगर आपकी स्किन पे जितने भी ओपन पोर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। शर्त ये है कि आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज़ लाजमी करना है। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको आपने अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से आप धो लें और फिर फेस पैक चेहरे और गर्दन पे लगा लें। और 15 मिनट लगा रहने के बाद आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। और बेहतरीन नतीज के लिए इस फेस पैक को आपने हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाना है। तो मुझे बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसके रिजल्ट्स आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।